गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस माइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपने आधुनिक भारत के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं फ्रांसीसियों का आवागमन। देखना, जो पूरा टॉपिक है कि यूरोपियों का आवागमन, यहाँ पर यूरोपियंस कैसे आए, जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और आज हम करेंगे फ्रांसीसी, कि फ्रांसीसी भारत में कौन आए, कंपनी का नाम क्या था, ये किस रास्ते से आए और कहाँ पर अपनी इन्होंने फैक्ट्री या कारखाना स्थापित किया, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में जाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रांसीसियों का आवागमन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू करते हैं। देखना, जो फ्रांसीसी थे ये यूरोप से आए थे। एक बार यूरोप की हम स्थिति देख लेते हैं फ्रांस की, कि फ्रांस कहाँ पर स्थित है। देखना, ये यूरोप, ये महाद्वीप क्या आ जाएगा, अफ्रीका, सॉरी एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, ओके, ये क्या होगा, अफ्रीका, अफ्रीका, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूस तक, इधर एशिया, एशिया, और ये यूरोप हो जाएगा, यूरोप। यूरोप में जैसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली, उसके बाद फिर यहाँ पर डच और फिर अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। तो फ्रांस की स्थिति क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा, फ्रांस, इसे हम क्या कहेंगे, फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये फ्रांस हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि फ्रांस के और यूके के बीच में जो इंग्लिश चैनल, ये भी क्वेश्चन आता है कि यूके यानी कि इंग्लैंड या ब्रिटेन को यूरोप से कौन अलग करता है, वो इंग्लिश चैनल करता है, उत्तरी सागर, यहीं पर। तो फ्रांस में एक कंपनी की स्थापना हुई थी सन 1664 में, 1664 में कंपनी का नाम क्या था, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या यूनाइटेड कंपनी ऑफ ओरिएंटल, जिसको इन फ्यूचर क्या जाना गया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो स्थापना कब हुई, सन 1664 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कब बनी थी, इन 1664। अच्छा, वहाँ के जो राजा थे, राजा का नाम था लुई 14, जैसे लुई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वंशानुगत वहाँ पर चलता था, तो उसका शासक या सम्राट कहिए लुई 14। लुई 14 का एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। कोलबर्ट ने कंपनी स्थापित की थी और अपनी यात्रा शुरू करके, चूँकि एशिया माइनर के माध्यम से आए थे, एशिया से भारत में पहुँचे, जैसे ये फ्रांस, यहाँ से ये चले और एशिया होते हुए, इसको एशिया माइनर कहा जाएगा, और ये कहाँ पर पहुँचे, सूरत में, सूरत के बाद ये मसूलीपट्टनम में, ये मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश या उसमें तमिलनाडु के ये बॉर्डर पर होगी, यानी कि कोरोमंडल, ये मालाबार तट, ये कोरोमंडल, अभी चर्चा करते हैं। तो कंपनी की स्थापना कब हुई थी, इन 1664, किसने की थी, कोलबर्ट ने। तो ये कहाँ पर लोकेशन आ जाएगी, यूरोप में, जैसे ये पुर्तगाल आ जाएगा, पुर्तगाल, और यहाँ पर स्पेन, और ये फ्रांस, फ्रांस से मिला हुआ है, फिर जर्मन, और इधर यूके, तो यहाँ से ये चले थे, यात्रा अपनी शुरू की। आगे देखते हैं, सबसे पहले फ्रांसीसी का जो आवागमन में हम पढ़ते हैं, वहाँ का राजा, राजा कौन था, तो राजा का नाम क्या था, राजा था लुई, लुई 14, लुई 14, ये हम लिखेंगे लुई 14, लुई 14 वहाँ के राजा का नाम था, शासक का या सम्राट, ये कौन थे, सम्राट, ये वहाँ के सम्राट थे। इनके एक मंत्री थे कोलबर्ट, कोलबर्ट, कोलबर्ट ने स्थापना की थी, ये कहिए कंपनी के संस्थापक, इसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की थी। अगर उसमें लुई 14 या कोलबर्ट आएगा, हम कोलबर्ट लगाएंगे, ये उसके प्रशासन में एक मंत्री थे। तो कोलबर्ट ने स्थापना की थी, और कब की गई कंपनी की स्थापना, इन 1664, सन 1664 में, पेरिस में, फ्रांस में स्थापना की गई इसकी, फ्रांस, ओके। अब ये भारत में आवागमन के लिए, जब ये भारत आती है कंपनी, तो ये किस माध्यम से आई थी, स्थल मार्ग से, एशिया माइनर। एशिया माइनर में क्या आ जाएगा, जैसे अफगानिस्तान होते हुए जो रास्ता आता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इन सबको हम क्या कहेंगे, इसी रूट से, ये एशिया माइनर। तो अगर आया ना, किस माइनर से, जैसे वास्को डी गामा यहाँ पर आया, कैप ऑफ गुड होप, है ना, जो अफ्रीका होते हुए रास्ता आता था, लेकिन इनका रास्ता क्या था, एशिया माइनर, है ना, छोटा एशिया माइनर, तो एशिया माइनर होते हुए, एशिया माइनर मार्ग से ये भारत में पहुंचे, ओके।
यात्री, पहला यात्री कौन था जो भारत में पहुंचा था? इसका नाम था फ्रेंको, फ्रेंको कैरो, फ्रेंको कैरो, फ्रेंको कैरो या कैरोन, ये नाम था। ये कहाँ पर आया पहला यात्री? सन 1668 में ये यात्री कहाँ पर पहुंचता है एक बार ये बताएं। ये सूरत होगा, यहाँ पर गुजरात में सूरत, ये सूरत में आता है पहला यात्री। सूरत, सूरत कहाँ है? गुजरात। तो सूरत में जब ये आया कब? 1668 में। यहाँ पर प्रथम कारखाना या पहली फैक्ट्री लगाई थी उन्होंने अपनी, या पहली बस्ती बनाई थी। बस्ती, कारखाना या फैक्ट्री या उपनिवेश या कहिए इसको कॉलोनियल, तो पहला कहाँ पर बना था? सूरत में। और जो दूसरा यात्री यहाँ पर आया था ये मरकारा, मरकारा, मरकारा कहाँ का? वैसे ईरान का ही रहने वाला था, ईरान, लेकिन ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मसूलीपट्टनम में, जो गोलकुंडा के एक थे सुल्तान, उनकी परमिशन पर मसूलीपट्टनम में अपनी पहली ये दूसरी कंपनी स्थापित की थी, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम ये इनकी पहली फैक्ट्री थी। ये इनकी दूसरी फैक्ट्री या कंपनी स्थापित की या बस्ती स्थापित की थी। लेकिन जो फ्रांसीसियों की राजधानी वो फिर आती है पांडिचेरी। पांडिचेरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में, दक्षिण में। एक पहला यात्री, दूसरा यात्री, भारत में इनका विस्तार कहाँ हुआ? तो विस्तार के लिए अगर पांडिचेरी में हम देखते हैं तो पांडिचेरी यहाँ पर आ जाएगा, ये जहाँ पर ये तीनों समुद्र भी मिलते हैं, पांडिचेरी, पांडिचेरी, पांडिचेरी की राजधानी पुदुचेरी। ये केरल में भी इसका एक शहर, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी, तो तेलंगाना में तो माहे और यमन, यवन इसी का है एक। तो पांडिचेरी कहाँ पर होगा? तमिलनाडु में, यहाँ पर कंपनी स्थापित की थी। लेकिन पांडिचेरी में क्या हुआ था? वहाँ का जो एक स्थानीय राजा था, उस राजा का नाम था शेर खान लोदी, और पांडिचेरी का नाम था वेलिकोंडापुरम। इसका पांडिचेरी का पुराना नाम क्या था? वेली या वेलिकोंडापुरम, वेलिकोंडापुरम, ये किसका नाम था? पुरम, पांडिचेरी का। पांडिचेरी को सन 1692-93 में जो यहाँ का राजा था जिसका नाम शेर खान लोदी, शेर खान, शेर खान लोदी, ये यहाँ का प्रमुख था, एक मुस्लिम राजा था स्थानीय। इससे एक गांव उधार लिया था या लीज पर लिया था, बाद में अपना यहाँ पर कारखाना स्थापित किया, और फ्रांसीसियों की राजधानी भी पांडिचेरी कहलाई। तो क्या आ जाएगा इसका नाम? वेलिकोंडापुरम। पांडिचेरी का पुराना नाम वेलिकोंडापुरम था, जो एक मुस्लिम शासक या स्थानीय राजा शेर खान लोदी से लीज पर लिया था, जो बाद में अपना कारखाना स्थापित किया और उनकी राजधानी भी थी। इसी का नाम क्या बना? पांडिचेरी, पांडिचेरी ये नाम बनाया, और ये इनकी राजधानी कहलाई। ये इनकी राजधानी बनाई, सभी जितने भी इनकी व्यापारिक गतिविधि थी, जो व्यापार वाणिज्य समुद्र के रास्ते से करते हैं, स्थलीय मार्गों से, सभी रेगुलेट कहाँ से होती थी? वो पांडिचेरी से होती थी। लेकिन इसके चार या पाँच साल बाद, चार साल अगर देखते हैं तो 1697 में यहाँ पर अंग्रेजों ने और डचों ने, दोनों ने मिलकर इस पर आक्रमण किया, फ्रांस पर यानी कि पांडिचेरी पर, और पांडिचेरी को उन्होंने छीन लिया। लेकिन बाद में एक संधि हुई थी, रिजविक की संधि, रिजविक की संधि के अंतर्गत पांडिचेरी को फिर से लौटा दिया गया, यानी कि अब ये किसके पास है? फ्रांसीसियों के, और जो इनकी पहली राजधानी थी यही इनकी हमेशा राजधानी रही। तो 1697 में क्या हुआ, एक अंग्रेज और डचों ने, अंग्रेजों, अंग्रेजों प्लस डच, डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड के, डच नीदरलैंड या होलैंड एक ही बात है, इन्होंने आक्रमण किया, आक्रमण, ये आक्रमण किया यहाँ पर, और इसे अपने कब्जे में लिया, इस पर कब्जा किया, कब्जा। लेकिन बाद में एक रिजविक की संधि होती है, आगे देखते हैं, रिजविक की संधि, रिजविक टेरिटरी या संधि होती है, रिजविक की संधि, ये कब की गई? इन 1697 में। इस संधि के अंतर्गत जो पांडिचेरी को वापस किया गया, पांडिचेरी को, पांडिचेरी को वापस, वापस फ्रांसीसियों को वापस किया, फ्रांसीसी, और पांडिचेरी का जो ये बना हेड, पहले मार्टिन को बनाया गया, मार्टिन कैरो,
उसके साथ में मार्टिन केरो, इसे प्रमुख बनाया गया। बाद में जैसे ड्यूमा और डुप्ले जो इसके गवर्नर बनकर आए या निदेशक बनकर आए थे, तो इसका किसको बनाया गया प्रमुख, जो यहाँ का प्रमुख बना, प्रमुख ये बनाया गया मार्टिन केरो। बाद में फिर ड्यूमा भी यहाँ का बनाए प्रमुख, ड्यूमा, और ड्यूमा के बाद में जैसे डुप्ले बना गया है। डुप्ले के शासनकाल में यहाँ पर जैसे युद्ध हुए थे, कर्नाटक युद्ध है ना, तो इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो राजधानी, अगर ये क्वेश्चन आता है फ्रांसीसियों की प्रमुख राजधानी क्या थी, ये पांडिचेरी थी। बाद में इन्होंने बंगाल में भी अपना एक साम्राज्य स्थापित किया, वहाँ एक कंपनी लगाई जिसका नाम था चंद्रनगर, वहाँ के एक राजा थे शाइस्ता खां। आगे देखते हैं इसमें, तो इसमें मैप डाल लेते हैं थोड़ा, एक मिनट, मैप से जल्दी समझ आता है अगर हम ये लें एक मैप के अंतर्गत इसको समझें। देखें आशीष जी, आ रहे हैं समझ? तो यहाँ क्या थे, पांडिचेरी ओके, और यहाँ सूरत में और मछलीपट्टनम में, एक जगह आ जाएगी यहाँ पर चंद्रनगर को बंगाल में एक जो नवाब थे बंगाल के शाइस्ता खां, चंद्रनगर की स्थापना इन्होंने की। यहाँ पर भी अपना कारखाना स्थापित किया था, कारखाना बनाया, ये कहाँ बनेगा, बंगाल। और यहाँ के स्थानीय नवाब का क्या नाम था, नवाब थे यहाँ के शाइस्ता खां, क्या नाम था, शाइस्ता खां। ये शाइस्ता खां से लीज पर लिया, बाद में कुछ धन जुटाने के बाद इन्होंने प्राप्त किया और इसमें एक कंपनी अपनी स्थापित की, या कहिए कि पूर्वी तट पर जो इनकी कंपनी सबसे बड़ी थी वो कहाँ पर बनाई गई, चंद्रनगर में बनाई गई, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। यहाँ के नवाब कौन थे, और शाइस्ता खां से लीज पर लिया था, लीज पर लिया। लीज का क्या मीनिंग होता है, उधार लिया, कुछ धनराशि चुकाई गई वहाँ पर। अब इनके सेंटर कहाँ, एक तो सूरत में बनाया गया, सूरत, और एक कहाँ, पांडिचेरी, मसूली, और ये क्या है, चंद्रगिरी, एक यहीं पर आ जाएगा। फिर आधुनिक बिहार में जो राजधानी पटना भी इनका केंद्र था, पटना, ओके। और यहीं पर एक जगह आ जाएगी कासिम बाजार, बंगाल में कासिम बाजार। दक्षिण में एक जगह और इनका एक कोठी स्थापित की गई थी, माहे, या इसी का नाम क्या आ जाएगा, माहे। मद्रास में सेंट थोम का एक किला था, सेंट थोम का युद्ध भी पढ़ेंगे हम, फर्स्ट कार्नेटिक वार, जो प्रथम आंग्ला कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका नाम था सेंट थोम का युद्ध। तो मद्रास में एक जगह पड़ती है सेंट थोम, यहाँ पर सेंट थोम, या कहिए सेंट थोम या सेंट थोमस, एक ही नाम है। तो माही, सेंट थोमस, पांडिचेरी और करिकाल या कराईकल, एक जगह क्या आ जाएगी मद्रास में, कराईकल, ये इसके केंद्र बने ना। एक मेंडागास्कर पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में, मेंडागास्कर, उसको देख लेते हैं एक बार। मेंडागास्कर, यहाँ पर आइए आप, मेंडागास्कर ये एक टापू हो जाएगा इसका, सॉरी, मेंडागास्कर ये किस में आएगा, अफ्रीका महाद्वीप में, सॉरी ये गलत बना दिया, यहाँ पर देखिए ये क्या है, मेंडागास्कर, अरे भैया मेंडागास्कर, यहीं पर मॉरिशस, ये छोटे छोटे जो टापू दिखाई दे रहे हैं आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, यहाँ से देखना ये क्या, मॉरिशस, MAURITIUS, मॉरिशियस है ना, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भी इनकी एक कंपनी स्थापित थी, और इनका जो मुखिया था यहाँ पर ला बोर्डेन है, यहाँ के प्रमुख का नाम ला बोर्डेन, लाबोर्डन है, ये यहाँ का प्रमुख बनाया गया। तो कंपनी कहाँ कहाँ पर स्थापित हुई, सूरत में, और दक्षिण में पांडिचेरी, माही, सेंट थोम,
करिकाल या क्राइकल, और इसमें हिंद महासागर में अगर देखते हैं तो इसमें आ जाएगा मॉरिशस, ये मॉरिशस में भी कंपनी। मॉरिशस के प्रमुख का नाम क्या था, जो फ्रांसीसी गवर्नर था लाबोर्ड ने, चूँकि जब सेकेंड वार हो गए इनसे तो, और फर्स्ट में भी, तो वहाँ से सेना मंगाते हैं फ्रांसीसी जो गवर्नर था डुप्ले, तो यहाँ पर इनका अधिकार था। और दूसरा भारत में, पूर्वी भारत में कहाँ पर होने लगा, पूर्वी भारत में चंद्रनगर और कासिम बाजार, पटना मसूलीपट्टनम, और सेंट थॉम कराइकल, पांडिचेरी, माही और सूरत, और एक जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा इसमें अगर बात करते हैं मॉरिशस की, मॉरिशस ये यहाँ पर इनके केंद्र बनाए गए। अच्छा, एक चीज़ आप समझिएगा इसमें, एक तो नवाब और निजाम जो हैदराबाद राज्य था, चूँकि मुगलों के पतन में हमने पढ़ा था मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी, जिनमें एक हैदराबाद भी था। हैदराबाद की जो स्थापना की थी चिनकिलिच खान की थी, तो उसे एक नवाब की उपाधि मिली हुई थी। ये हो जाएगा वहाँ का, एक तो नवाब कर्नाटक, और यहाँ के होंगे क्या नाम था, आसफ जहाँ, निजामुल मुल्क आसफ जहाँ, चिनकिलिच खान उसी का नाम था, ओके, निजाम यहाँ के हैदराबाद के। तो इसमें हम बात करते हैं एक, रुकिए, क्या क्या है हमारा, पांडिचेरी के बारे में हमने पढ़ा, पांडिचेरी, चंद्रनगर। अब निजाम और नवाब भी देखिए, ये क्या होते हैं, निजाम और नवाब, ओके, क्योंकि यहीं से जो इनमें युद्ध होंगे उनसे एक वहाँ से जो कारण थे ना उसके, निजाम में और इनमें नवाबों में आपस में युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी भी इंटरफेयर करते हैं, और एक ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर। यहाँ पर देखते हैं, तो एक बार मैप से देख लेते हैं, इसमें देखो नवाब और निजाम यहाँ से समझ आएंगे आपके। ये क्या आ जाएगा, पूरा हैदराबाद, इसको तो आप कहिए हैदराबाद, अगर यह ना हैदराबाद की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, तो मुगलों के पतन में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। ये पूरा जिसमें केरल भी शामिल होगा, कर्नाटक, ये क्या आ जाएगा, कर्नाटक, कर्नाटक इधर का क्षेत्र हैदराबाद, और नीचे हो जाएगा क्या, मद्रास, ये मद्रास, और मद्रास में नीचे पांडिचेरी, पांडिचेरी ये इनके प्रमुख केंद्र थे। तो जैसे युद्ध होते हैं, प्रथम आंगला कर्नाटक युद्ध या सेकंड या थर्ड, तो उनके कारण यहीं से आएंगे, क्योंकि नवाब और निजाम में होता हैदराबाद के जो कहलाएंगे ये निजाम, निजाम, निजाम नाम क्यों है, क्योंकि जो संस्थापक निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क आसफ जय या चिनकिलिच का इसके संस्थापक थे, तो नाम में अपना टाइटल निजाम लगाते थे। ये कौन थे, निजाम उल मुल्क, पूरा नाम यह है निजामुल मुल्क, और इसी का नाम क्या था, आसफ जहाँ, आसफ, आसफ जहाँ, इसी को उपाधि एक मिली हुई थी चिनकिलिच खा की, चिनकिलिच खा, ओके, ये तो हैदराबाद के। और कर्नाटक के क्या होते थे, कर्नाटक के नवाब होते थे यहाँ के, इसके नवाब थे, नवाब ऊपर क्या थी इससे, जैसे महाराष्ट्र का क्षेत्र आएगा मराठे, यहाँ पर मराठे। तो सन 1741 या 40 की बात है, 1740 या 41 से स्टार्ट होता है इनमें विवाद। एक देश पड़ता है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया यूरोप का होगा, जिसकी राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में जब इनमें युद्ध होता था फ्रांसीसियों में और ब्रिटेन में, तो जो भी उसकी कॉलोनियल होते थे उपनिवेश, चाहे वो भारत में हो या किसी अदर कंट्री में हो, तब यहाँ पर लड़ाई होती थी, उनमें युद्ध यहाँ भी होते थे। तो अगर देखा जाए इसके कारण क्या थे, चूँकि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया देश अलग है, ठीक है ना। तो कर्नाटक के एक नवाब बनते थे और हैदराबाद के निजाम बनते थे। हैदराबाद में एक निजाम था जैसे निजामुल मुल्क, ओके, और कर्नाटक में यहाँ के एक नवाब थे, उसका नाम था सादतुल्ला, सादतुल्ला, जैसे यूपी में है ना सादत खान बुरहानुल मुल्क, ये सादतुल्ला, सादतुल्ला खां, इसका एक भतीजा था, उसका नाम था दोस्त अली, दोस्त अली। इस दोस्त अली का एक दामाद भी था,
उसका नाम था चंदा साहेब, चंदा साहेब, ठीक है। तो यहाँ का नवाब कौन था पहले? सादत खान। सादत खान ने दोस्त अली को नवाब बनाया, लेकिन जो कर्नाटक के नवाब बनते थे वो नवाब तभी बन सकते थे अगर निजाम की अनुमति होती थी। इसे निजाम की अनुमति नहीं थी, है ना। निजाम का जो उत्तराधिकारी था ये बाद में बना, एक इसका दोस्त भी था, इसका नाम अनवरुद्दीन था। अनवरुद्दीन ये इसका सहयोगी था आसफ जाह का। लेकिन क्या हुआ, सादतुल्ला ने किसको बनाया? दोस्त अली को, विदाउट द परमिशन निजाम की, निजाम की बिना परमिशन के बना दिया। और ये क्यों बनाया? यहाँ पर मराठों का इनको एक खतरा था कि मराठे इस पर आक्रमण न कर दें। सन 1740 और 41 में मराठा सरदारों ने कर्नाटक पर ये किया आक्रमण, और इनसे जब युद्ध हुआ उसमें दोस्त अली तो मारा गया था, ये तो युद्ध में जब मराठों ने आक्रमण किया, मराठों ने जो आक्रमण इन पर किया, आक्रमण इस आक्रमण में युद्ध में कौन मारा गया? दोस्त अली। दोस्त अली का जो दामाद था चंदा साहेब, इसको गिरफ्तार कर लिया मराठों ने, ये गिरफ्तार किया। अब यहाँ का जो पद था वो रिक्त हुआ कर्नाटक में। सादत खान ने किसे बनाया? अपने भतीजे को, है ना। भतीजे का नाम क्या था? दोस्त अली। दोस्त अली को कभी दोस्त ही समझ ले, दोस्त ये था, फ्रेंड, ये किसका फ्रेंड था? आसफ जाह का, जो निजाम का फ्रेंड था वो अनवरुद्दीन था। तो अनवरुद्दीन इधर से यहाँ पर कैसे आता है वो सुनिए। यहाँ का नवाब कौन बना? दोस्त अली। दोस्त अली को विदाउट परमिशन बनाया गया था। मराठों ने आक्रमण किया, मराठों ने युद्ध में इसे तो मार दिया दोस्त अली को, है ना। और जो चंदा साहेब था उनको ये आभास था कि कहीं इसका उत्तराधिकारी चंदा साहेब ना बन जाए, तो इसलिए चंदा साहेब को पहले ही गिरफ्तार करके ले गए थे वो अपने साथ में, मराठा सरदार। अब यहाँ का पद रिक्त था, कर्नाटक था, तो कर्नाटक में किसको नियुक्त किया गया? अनवरुद्दीन को। अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। ये किसने बनाया? निजाम ने। यहाँ कौन आया? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन, ओके। निजाम के बाद में जो यहाँ का ये बना निजाम दूसरा, एक बनता है नासिर जंग, और नासिर जंग के भांजे का नाम था मुजफ्फर जंग। यहाँ पर कौन आ जाएंगे? नासिर जंग, नासिर जंग, उसके बाद में मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग। अब फिर इनमें युद्ध होता है, कर्नाटक के युद्ध। तो कर्नाटक के युद्ध हम तब समझेंगे जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के बारे में। तो आज की इस वीडियो में केवल हम इतना ही करते हैं। एक वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें कार्नेटिक वार होंगे तीनों, है ना। उसकी दो वीडियो बन जाए, तीन वीडियो बन जाए, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड, इसमें समझाना पड़ेगा एक ये कि निजाम किसके साथ रहे, किस किस से युद्ध हुआ है, और इन्होंने मॉरिशस से हेल्प कब ली थी, फ्रांसीसियों से। फाइनली इसमें विजिट किसकी हुई थी, कि युद्ध का क्या नाम था, कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, और संधि कौन कौन सी, वो एक टेली करने के लिए क्वेश्चन आता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये आंगला जो कर्नाटक युद्ध है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनकी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे अगली वीडियो। आज की वीडियो में केवल इतना ही करते हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़े हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके संस्थापक कौन थे, ये भारत में कहाँ पर आई, कहाँ कहाँ पर अपने केंद्र बनाए, और इसमें नवाब और निजाम में क्या डिफरेंस था, हैदराबाद के निजाम कहलाए और जो कर्नाटक था इसके नवाब। अब इनमें युद्ध होते हैं जिसमें इंटरफेयर करते अंग्रेज भी करते और फ्रांसीसी भी करते हैं, दूसरा एक कारण हो जाएगा कि ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, ठीक है। तो आज इसमें इतना ही काफ़ी है, ये मैं आशा करता हूँ आपकी सब समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। आप इस पर कंटिन्यू बने रहिए, और वीडियो देखने से भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसको नोट करना है और आपको साथ साथ याद करना है। ओके, थैंक यू।